और गुर्गो की दबंगाई देखने को मिली। बड़ी खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, रोडवेज बस रोककर चालक परिचालक को जमकर पीटा, जमकर की पिटाई और रुपए से भरा बैग भी छीना। जरिया थाना क्षेत्र के सरीला कस्बा का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको अमीरपुर से बता रहा है, जहां पर पूर्व प्रधान और गुर्गो की दबंगाई सामने आई है। रोडवेज बस रोककर चालक परिचालक को जमकर पीटा, आपको बता दें कि जमकर पिटाई भी की और रुपयों से भरा बैग भी छीना। जरिया थाना क्षेत्र के सरीला कस्बा का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको अमीरपुर से बता रहे, जहां पर पूर्व प्रधान और गुर्गो की दबंगाई सामने आई। रोडवेज बस रोककर चालक और परिचालक को जमकर पीटा, जमकर पिटाई भी की और रुपयों से भरा बैग भी छीन लिया। दरिया थाना क्षेत्र के सरीला कस्बा का मामला बताया जा रहा है। बिजनौर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जेल में बंद विचाराधीन बंदी की मौत। बड़ी खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, 3 साल से रेप के आरोप पे जेल में था बंद, मृतक के परिजनों ने लगाया है हत्या का आरोप। 3 साल से रेप के आरोप में जेल में बंद था कैदी। बड़ी खबर आपको बिजनौर से बता रहा है, जहां पर जेल में बंद विचाराधीन बंदी की मौत हो गई है। 3 साल से रेप के आरोप में जेल में बंद था कैदी, मृतक के परिजनों ने लगाया है हत्या का आरोप। 3 साल से रेप के आरोप में जेल में बंद था कैदी। बड़ी खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां पर जेल में बंद विचाराधीन बंदी की मौत हो गई। आपको बता दें कि परिवारजनों ने हत्या की आशंका जताई है। 3 साल से रेप के आरोप में जेल में बंद था। ललितपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ परिवार। बड़ी खबर आपको ललितपुर से बता रहे हैं, एक ही परिवार के कई लोग फूड पॉइजनिंग से बीमार हो गए। सरसों का तेल खाने से हुए हैं बीमार, एक की मौत हो गई। थानावार के सेमरा भावनगर का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको ललितपुर से बता रहे हैं, जहां पर एक ही परिवार के लोग फूड पॉइजनिंग से बीमार हो गए। आपको बता दें कि एक की मौत हो गई है, सरसों का तेल खाने से हुए हैं बीमार। एपिडेमिक जो ड्रॉपसी की संभावना व्यक्त की जा रही थी, उसमें जो सरसों के तेल में एजिमोन मैक्सिकाना के बीज के तेल यदि मिलावट हो जाते हैं तो ये बीमारी हो जाती है। और यदि एक से ज़्यादा घर के सदस्यों में ये यदि होती है, जो जिनमें कॉमन किचन होता है, कॉमन खाना खाते हैं, तो एक से ज़्यादा सदस्य जब बीमार होते हैं तो उनमें लक्षण आना, जैसे उल्टी होना, पूरे शरीर में सूजन, माने सूजन रहना, और त्वचा का कालापन होना, और जगह जगह त्वचा का निकलना और फूड़ी पड़ना, ये मेन लक्षण होते हैं। फतेहपुर से आपको बड़ी